स्वागत है, मैं हूं हर्षिता। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर में चिटफंड कंपनी पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 3 आरोपियों पर किया मामला दर्ज। नया खेड़ा में गोवंश से भरी टाटा सुमो पकड़ाई, कटने के लिए ले जाया जा रहा था गोवंश। और विद्युत मंडल की लापरवाही फिर आई सामने, परेशान किसान की हुई हार्ट अटैक से मौत। शहर में चिटफंड कंपनियां सक्रिय हो गई है, जो आम जनता को झांसे में लेकर उन्हें ठगी का निशाना बना रही है। आज ऐसी ही एक कंपनी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है और दिव्यांश टेली मार्केटिंग नाम की इस कंपनी के 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है। शहर में कई चिटफंड कंपनियां सक्रिय हो गई है, जो अपने झूठे वादों से आम जनता को फंसाकर उनसे ठगी करने में लगी हुई है। इसके चलते कई लोग अपनी मेहनत की कमाई को इन कंपनियों में लगाकर तकरीबन कई रुपए गंवा चुके हैं। आज एक ऐसी ही चिटफंड कंपनी दिव्यांश टेलीमार्केट पर पुलिस ने शिकंजा कसा है और आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। मामले के अनुसार शहर में चित्तौड़ की दिव्यांश टेलीमार्केट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने कुछ समय पहले अपनी शाखा खोली और कई लोगों से संपर्क साधा। इसके अलावा इनसे रुपया लगाने और मुनाफा कमाने की भी कहा। कम पैसों में ज्यादा मुनाफा कमाने के इन झांसों में कुछ लोग आ गए और दिव्यांश टेलीमार्केटिंग नाम की इस कंपनी में पैसा लगा दिया, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जो चांदी उन्हें कंपनी ने दी उसमें खोट पाया गया। कंपनी के सीएमडी मिस्टर विवेक बिरला व एमडी मिस्टर उमेश राव व एमडी मनोज कनौजिया हैं, जिन्होंने मुझे ये इन्वेस्टमेंट बताकर हमारे साथ जालसाजी की। कंपनी का नाम कौन सी कंपनी? दिव्यांश टेली मार्केट प्राइवेट लिमिटेड। प्लान नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिस पे था, जो बाइनरी और ट्राइनरी इनकम इसमें दिखाई गई, जिसमें 7500 का एक इनिशियल अमाउंट ग्राहक से लिया जाता था और उसके एवज में 7500 की चांदी दी जाती थी, जो कि बाद में लैब रिपोर्ट में नकली पाई गई। लगभग इनिशियली 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की बात हुई थी, जिसमें से 1 लाख रुपए का हमें ज्वेलरी प्रोवाइड करी थी, उसमें बात 5 लाख की थी, 5 लाख में 1 लाख की ज्वेलरी प्रोवाइड की थी और बाकी की कहा गया कि टाइम टाइम पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ज्वेलरी कैसी थी, कैसे निकली ज्वेलरी? जो बाजार में दिखती है, देखते हैं अपन, उसी टाइप की ज्वेलरी थी। चांदी या सोने की उसकी क्वालिटी क्या थी? क्वालिटी बताई गई थी कि 60% तब रहेगी और बाद में जब कस्टमर्स की कंप्लेन आई उसके बाद पता हमको चला कि लैब रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि 30 से 32% अप्रोक्स है इसका। पुलिस ने मामला धारा 420 के तहत पंजीबद्ध किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि लोगों को सूझबूझ से निर्णय लेना चाहिए। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि कंपनी द्वारा दी गई चांदी पूरी तरह से नकली नहीं थी, उसमें तकरीबन 30% मिलावट थी। मैं विपुल कश्यप हैं, जिन्होंने रिपोर्ट की है दिव्यांश टेली मार्केटिंग के खिलाफ। इसमें इनके जो 3 आरोपी हैं मुख्य रूप से, अभी उनके भी इन्होंने रिपोर्ट की है। इनका कहना है कि ये इनको मेंबर बना रहे थे, मेंबर बनाने के 7700 रुपये इनको मेंबरशिप के थे, उसके बाद इन्होंने बाकी और सदस्य जोड़े थे, तकरीबन 70 सदस्य जोड़े थे 7700 रुपये के हिसाब से। उसके बाद इनको जो चांदी दी जाना थी तो सभी सदस्यों को, तो वो चांदी इन्होंने दिया नहीं है। और जो इनको एक शॉप खुलवा दी थी नाम मात्र की, उसमें जो दिया भी गया था तो वो बिल्कुल 30% के हिसाब से था, वो उनकी जिस प्रकार से बताया गया था उस अनुरूप में नहीं था। तो इस प्रकार से इन्होंने इनके साथ 16 लाख रुपए करीब की जो है धोखाधड़ी इनसे किया है। इसमें 420 120 भी 34 IPC के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है
और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया है, तो हमारे संज्ञान में ये आ रही है कि और भी लोग उनसे पीड़ित हैं, तो जैसे जो इन्वेस्टिगेशन में वो लोग आते जाएंगे तो उनको उसमें विवेचना में ले लिया जाए। शहर में कई ऐसी चिटफंड कंपनियां सक्रिय हैं जो ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर आम जनता को ठगी का शिकार बनाने में लगी है। पुलिस को चाहिए कि उन कंपनियों पर भी जांच कर शिकंजा कसा जाए। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में दिव्यांश टेलीमार्केटिंग कंपनी के विवेक बिरला, उमेश राव और मनोज कनोजिया नाम के तीन शख्सों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। शहर के समीप नया खेड़ा में गोवंश से भरी टाटा सुमो पकड़ाई है। ये गोवंश कटने के लिए ले जाए जा रहे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने रोका और पुलिस को इस बारे में सूचित किया। हालांकि आरोपी मौके से भाग निकले हैं। शहर के समीप नया खेड़ा से शहर पुलिस ने गोवंश से भरी टाटा सुमो पकड़ी है, जिसमें तीन गाय, दो बछड़े और एक केड़े को लाद कर ले जाया जा रहा था। आरोपियों ने इन गोवंशों के मुंह और पैर बांध कर रखे थे। ग्रामीणों ने इस वाहन को रोका और पुलिस को मामले की सूचना दी। सूत्र बताते हैं कि ये गोवंश कटने के लिए ही ले जाए जा रहे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़ लिया। हालांकि जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी वाहन वहीं छोड़ भाग चुके थे। पुलिस ने मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। इसमें एक सूचना के आधार पर टाटा सुमो को गाड़ी रोक के चेक की गई थी, जिसमें गाय, तीन गाय और दो बछिया और एक केड़ा मिला है। उसमें उसकी सीटें निकाल दी गई थी, तो उसमें इसमें जो है आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। तीन आरोपी हैं इसमें। ग्रामीण लोगों की ही सूचना थी, जिन्होंने सूचना दी थी और उन्होंने रोक लिया था, लेकिन पुलिस के पहुंचने तक तीनों आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। और इन पे उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, मध्य प्रदेश गोवंश अधिनियम, इसके अंतर्गत जो है प्रकरण दर्ज किया गया है। विद्युत मंडल की लापरवाही के मामले आए दिन सामने आते हैं। इस बार भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें विद्युत मंडल द्वारा दिए गए नोटिस के बाद एक किसान की मौत हो गई। लोगों की माने तो ये कनेक्शन उस किसान का था ही नहीं, फिर भी उसे बिल थमा दिया गया था। ग्रामीण चाहे विद्युत कंपनियों के दफ्तरों का कितना ही घेराव करे और समय समय पर एमपीएबी कर्मचारियों की लापरवाही उजागर करे, लेकिन शायद इन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तभी तो एमपीएबी लगातार लापरवाही बरतकर आम जनता के लिए समस्या खड़ी करता रहा है। बेशक उन्हें किसी बात का डर नहीं, यदि कार्रवाई का इतना ही डर होता तो वे इतनी लापरवाहियां नहीं बरतते। विगत दिनों शहर के समीप बेलारा गांव में फिर से विद्युत मंडल की लापरवाही का मामला सामने आया, जिसकी वजह से एक किसान की मौत हो गई। कारूलाल नाम के इस किसान को एमपीएबी द्वारा 5,820 रुपये का बिल थमाकर नोटिस दिया गया था कि जल्द से जल्द बिल जमा करें, जबकि उसके नाम से कनेक्शन भी नहीं था। परेशान किसान ने एमपीएबी के ऑफिसों के कई बार चक्कर काटे और उचित निराकरण की मांग की, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। बताया जाता है कि इसी सदमे के कारण किसान कारूलाल की मौत हो गई। मृतक का दाह संस्कार कर बेलारा ग्राम वासियों ने एमपीएबी के प्रति आक्रोश जाहिर किया। सब उसके और नोटिस निकाला और वो नोटिस में सजा और पैसे भरना ये नहीं उसे बर्दाश्त हुआ, तो क्या मालूम क्या होगा, सजा होगा तो हमको जेल जाना पड़ेगा। वो शर्म के मारे सब उसका हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। तो कितने रुपए की रिश्वत मांगी थी आप सर, कितने मांगी? 1500 रुपए रिश्वत मांगी थी कि 1500 रुपए दे दो, मैं फाड़ तोड़ करके तुम्हारे नहीं समाप्त कर दूंगा। किन लोगों ने ये रिश्वत मांगी थी आपसे? ये पाटिल ने, पाटक वो बोतल का। ये किस बात का नोटिस आया था आपने, मतलब नोटिस आया था ये हमारे कनेक्शन का, और घर का जो कनेक्शन है वो उसका मैं रेगुलर हर महीने पैसे भर रहे। हाँ, तो फिर काय का नोटिस आया, मतलब उसको वो पाना कर रहा था सब उसके नाम के बिल बना दिया उन्होंने और उसका नाम का नोटिस निकाल दिया। अच्छा, आपके भाई की मौत हो चुकी है, अब क्या कहना है आपका? सब हमको कोई सहायता दिलाई और उसको उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। वो मोटर चला रहा था वहाँ पे कुएं पे, बिजली वाले आए, आके देखा कि ये मोटर किसकी, तो क्या कारू की, तो वो पाणत कर रहा था उसके नाम से बिल चोरी का कनेक्शन बना के ले गए वो, और वो कनेक्शन है दादाजी के नाम से,
फर्जी बिल चोरी का कनेक्शन बना के ले गए, फिर वहाँ से नोटिस आए, फिर ये गए वहाँ पर जाके पूछ पाठक से बोले तो 1500 रुपये रिश्वत दे दो, यही सब समाप्त कर देंगे। इनने मना कर दिया, पैसे कहाँ से दे, गरीब आदमी खाने के पैसे नहीं, खाने के अन्न नहीं घर पे, 2 बीघे जमीन तो कुली है उसके पास। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि वो नोटिस आया कल 5 बजे के अंदर, जो नोटिस पढ़ा उसने देखा कि भाई इसमें तो 3 साल की सजा लिख रखी, अगर पैसे भी नहीं मेरे पास और जेल भी जाना पड़ेगा, गांव में लोग क्या कहेंगे, चोरी के मामले में पुलिस पकड़ के ले जाएगा, मारेगा कूटेगा कुछ भी करेगा, इस वजह से उसको अटैक बेच गया, वो मर गया, चिता जल रही विद्युत मंडल के कारण ही। अच्छा, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह विद्युत मंडल की बता दो, पूरी विद्युत मंडल की है सब। इस मामले को लेकर जब मीडिया विद्युत मंडल अधिकारी वीके गोयल से रूबरू हुआ तो उन्होंने पूरे मामले को गलत ठहराते हुए मामले से ही पल्ला झाड़ लिया। इतना ही नहीं, ग्रामवासियों पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि विद्युत मंडल पर आरोप लगाना आसान है। नहीं, ये आरोप टोटल गलत है, वो इसलिए कि मेरे जो जब जानकारी में आया, मेरे अपने अधिकारी से जानकारी निकाली तो इनके दादाजी के नाम से एक स्थायी कनेक्शन है जिस गांव का रहने वाला था उस गांव में, और जब विजिलेंस इंदौर की टीम वहां पे चेक करने गई तो उस कनेक्शन पे एक की जगह 2 मोटर चलती पाई गई। तो एक चूंकि स्थायी कनेक्शन है उसकी राशि लोग लगभग जमा करा रहे हैं, 1210 रुपये बकाया है आज की तारीख में। और दूसरे कनेक्शन पर बिजली चोरी का 3 HP का पंचनामा बनाया था, और ये पंचनामा बनाया था से 4 महीने पहले, 2 नवंबर 2011 को पंचनामा बनाया गया था, और इस पंचनामे पर जो कार्रवाई विधिवत होती है वो विजिलेंस के द्वारा की जाती है। अंचल में विद्युत मंडल की लापरवाहियां आए दिन उजागर होती रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ा है। सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर शासन प्रशासन ऐसे लापरवाह अमले के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करता। 7 News ब्यूरो। शहर की प्रमुख घड़ियां फिर से चलने लगी है। आपको बता दिया जाए कि मीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को प्रसारित किया था, जिसका असर ये हुआ कि संबंधितों ने 3 दिनों में इस घड़ी की सुध लेकर इसे चालू करवा दिया गया है। शहर की प्रमुख घड़ी अब फिर से चलने लगी है। घंटाघर इलाके में गजा महाराज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपरी छोर पर लगी ये घड़ी पिछले 10 से 11 दिनों से बंद पड़ी थी, जबकि संबंधितों द्वारा इसकी सुध नहीं ली जा रही थी। 3 दिन पहले मीडिया द्वारा इस मामले को प्रकाश में लाने के बाद आज नगरपालिका की नींद उड़ी और इस घड़ी को सुधरवाया। शहर के घंटाघर इलाके में स्थित ये घड़ी बंद होने से यहाँ से होकर गुजरने वाले इस घड़ी में समय नहीं देख पा रहे थे। इसके अलावा नगरपालिका पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि जो नगरपालिका शहर की प्रमुख घड़ी तक की सुध नहीं लेती, वो शहर की दूसरी समस्याओं की क्या सुध लेती होगी। हालांकि अब जब ये घड़ी फिर से चलने लगी है तो लोगों में हर्ष व्याप्त है कि अब से वे इस घड़ी में कम से कम समय तो देख सकेंगे। भगवान दास संगतानी नाम है मेरा, घंटाघर के सामने संगतानी मेडिकल स्टोर के नाम से व्यवसायी है, और आज से 3 दिन पूर्व आपके द्वारा जो इंटरव्यू लिया गया था उस समय घड़ी बंद थी, अब आज 3 दिन बाद घड़ी चालू हुई है। अभी सुबह के 11 बज रही हैं ये 2 ही घड़ियों में हमारे दुकान पे और सामने घंटाघर में है। 3 दिन पूर्व जो इंटरव्यू लिया था इस दरमियान 3 दिन बाद घड़ी चालू हुई है, इससे नगरपालिका कितनी सुस्त है कि इंटरव्यू आने के बाद भी 3 दिन बाद घड़ी चालू हुई है। हमें ये जानकारी मिली थी सभी को कि घंटाघर की घड़ी 5-7 दिनों से बंद है, और आपके द्वारा बताने पर यह घड़ी वापस चालू हो गई है, और मैं नगरपालिका का धन्यवाद देता हूँ कि इस घड़ी को बार बार इसी प्रकार से बंद ना होने दे, क्योंकि मंदसौर का एक मात्र ऐसा चौराहा है तो आते जाते यात्री इस भवन की तरफ देखते हैं, घंटाघर के मार्केट की तरफ देखते हैं, और देखने के बाद में उसे ये मालूम पड़ता है कि यार घड़ी बंद है, तो ये मंदसौर के लिए अच्छी बात नहीं। 7 News के इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब मुझे यानी हर्षिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।